और बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है। बता दें आपको पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो नेपाल के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। बता दें आपको यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वही राजस्थान, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.1 मापी गई है। और नेपाल में फिर से भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो बता दें आपको लखनऊ, फैजाबाद, आगरा, दिल्ली एनसीआर समेत सभी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के कई जिलों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भूकंप महसूस किया गया है। देहरादून, रुद्रपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। देश के कई जगहों पर, कई इलाकों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कोलकाता में भी महसूस किए गए हैं और भूकंप के चलते दिल्ली में मेट्रो रोक दी गई है। बता दें आपको दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं और नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। बता दें आपको कि नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बात अगर यूपी की करें तो यूपी के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार जो तीव्रता है वो 7.1 मापी गई है। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है। बता दें आपको कई इलाकों में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। दोपहर 12:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, फैजाबाद, लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग घर से बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं। बता दें एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग अपने ऑफिस, अपने घर से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, क्योंकि तेज झटके भूकंप के एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इन तमाम प्रदेशों में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। यूपी के भी कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देहरादून, रुद्रपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसके साथ राजस्थान, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए। इस बार रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस भूकंप के झटके के बाद लोग अपने ऑफिसेज, अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, क्योंकि तेज झटके भूकंप के एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। दोपहर 12:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग डर के साए में हैं और लोग अपने दफ्तर, अपने अपने घर से निकलकर बाहर हैं। बता दें आपको कि भूकंप का केंद्र जमीन से 18 किलोमीटर नीचे है। तो बता दें आपको भूकंप कितने झटके महसूस किए गए और भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से 18 किलोमीटर नीचे है और इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है। नेपाल में भूकंप का केंद्र है और 18 किलोमीटर नीचे जमीन से केंद्र बताया जा रहा है भूकंप का और इसकी जो तीव्रता है वो 7.1 है। तेज झटके फिर से महसूस किए गए हैं, जिससे लोग अपने घर, अपने दफ्तर से बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और वही दिल्ली में मेट्रो भी रोक दी गई है, मेट्रो की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। 12:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको कि भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं। जमीन से सिर्फ 15 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। बता दें आपको बड़ी खबर, भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.1 मापी गई है। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, अपना काम छोड़कर बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं। लोगों में, बता दें आपको, हड़कंप मच गया है। लोग जल्दी से अपने दफ्तरों और अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, क्योंकि भूकंप एक बार फिर से महसूस किया गया है। बता दें आपको, इससे पहले अभी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर से जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, बता दें आपको, इन तमाम जगहों पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कोलकाता में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में मेट्रो की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, मेट्रो को रोक दिया गया है। दोपहर 12:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
कांसेप्ट। अच्छा आपने देखा? आपने आई हैव इवन फेल्ट माय चेयर इज शेकिंग लाइक दैट। कहां अपन लोग? नाउ वी आर ऑन थर्ड फ्लोर एंड वी आर जस्ट शेकिंग लाइक एनीथिंग। दैट्स व्हाई वी जस्ट बीइंग आउट फ्रॉम देयर। भैया तुम फील किया आपने? यस। क्या था, क्या 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 हुआ? कुछ नहीं सर, चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है वहाँ की क्लास में से कि भूकंप आ रहा है, हम सोचे मजाक कर रहा है, देखा तो सच में आ रहा था, बस क्लास में हो गया कि चलो नीचे। कितनी देर का था तुम? सर जस्ट एक दो सेकंड ही, ज्यादा नहीं था। कितने लोग अंदर से होंगे? कम से कम 30 to 50 बंदे बच्चे थे, सब आ गए नीचे। स्वाति जैन। आपने भूकंप महसूस किया? यस आई फील। क्या था, किस तरह का, कितने देर का? काफी देर तक आया। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह पानी की बॉटल रखी थी, वो से गुजर रहा था। हाँ उसमें क्या क्या किस तरह का, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है वैसे ही हो रहा, फील हो रहा था। हम अपना वर्क कर रहे थे तो एकदम होते जाया तो हमें फील हुआ तो हम इसलिए नीचे आ गए। अजय जी आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम इशाद आलम है। आपने जी सर मैंने हल्का फील किया था अभी थोड़ी देर पहले। आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं सर यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इस तरह काम कर रहा था। तो क्या मतलब कितनी देर का होगा कम से कम ये? मतलब एक दो सेकंड का होता। कितनी देर था, कैसे? मतलब हल्का ही फील हुआ है, मतलब उस हिसाब का नहीं था, जो मतलब महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। अच्छा जी सर। अजीत कंपोज हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत क्या देहरादून में किस तरीके से झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के? बिल्कुल प्राची, अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी तेज झटके महसूस किए हैं। हालांकि चहल पहल है मार्केट में तो इतना ज्यादा आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अगर कार्यालयों की बात की जाए तो यहाँ पर जरूर झटके महसूस किए गए हैं और काफी देर तक महसूस किए गए हैं। जो कार्यालय में बैठे हुए लोग थे वो तुरंत उतरकर बाहर आ गए, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर की बात हो चाहे ग्राउंड फ्लोर की बात हो, सभी ऑफिस से बाहर निकले हैं और राजधानी देहरादून में भी और इलाकों की तरह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी अजीत, भूकंप के झटकों के बाद लोगों में कैसा माहौल है, क्या लोग अपने घरों से दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए हैं? बिल्कुल प्राची, अगर नेपाल त्रासदी की बात की जाए तो वहाँ के भूकंप को सभी ने देखा है और उसके बाद अगर हल्का भी झटका महसूस हो रहा है तो सभी एकदम बाहर का रुख कर रहे हैं, घर बिल्डिंग सभी से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और ऐसा ही आज के झटकों में भी देखने को मिला है। हालांकि झटके ज्यादा देर तक नहीं थे लेकिन जितने थे उतने लोगों में दहशत बैठाने का काम जरूर किया है और लोग सीधा बिल्डिंग से घरों से बाहर जरूर निकले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मोहम्मद तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता फैजाबाद से। मोहम्मद तनवीर वहाँ कैसा माहौल है फिलहाल, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं? जी प्राची आपको बता दें, जब से भूकंप के झटके आ रहे हैं उसके बाद आज की फैजाबाद में भूकंप झटके महसूस किए कि जिस तरीके से नेपाल में त्रासदी हुई उसके बाद लोग दहशत में है, जैसे ही भूकंप आता है उसके बाद लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अभी जो आज भूकंप अभी जो आया लगभग 30 सेकंड के लगभग आसपास भूकंप रहा होगा जो काफी तेज था, मगर नुकसान अभी तक कोई ऐसे आकलन की बात नहीं है, मगर लोग दहशत से बाहर निकल रहे, दुकान हो चाहे वो घर है सब लोग घर छोड़ छोड़ के बाहर आ गए थे, रोड पे बिल्कुल सब लोग आ गए अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, क्योंकि घरों में ऐसा रहता है क्योंकि जिस जगह पर ये पुरानी बिल्डिंगे हैं वो लोग सब छोड़ छोड़ के लोग घर से बाहर निकल आए थे। जी जी तनवीर, अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो क्या लोग अपने दफ्तरों अपने घर में वापस लौट चुके हैं या अभी भी लोग दहशत की वजह से बाहर ही हैं? जी आपको बता दें अभी भी लोगों में जाए। स्वाति जैन। आपने यस आई फील। क्या था, किस तरह का, कितने देर का? काफी देर तक आया। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह पानी की बॉटल रखी हुई थी वो से। तो भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस करते ही जो लोग हैं वो अपने घरों अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए क्योंकि एक बार फिर से खौफ पैदा कर दिया है। मोहम्मद तनवीर हमारे संवाददाता फैजाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद तनवीर कैसा माहौल है, दहशत अभी भी है लोगों में, क्या लोग अपने काम पे वापस लौट गए हैं? जी अभी बता दें अभी लोग भी काम पे नहीं लौटे क्योंकि अब और लोग डर महसूस करे हुए हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा फिर ऐसा भूकंप झटके ने महसूस किया, लोग अभी भी घर के बाहर हैं और रोड पे ही नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्राची और साथ में आपको बता दें अभी अभी तक जानमाल के भी अभी फैजाबाद में भी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जी जी तो हड़कंप जरूर मचा है फैजाबाद में भी। जी हाँ बता दें हड़कंप तो बहुत जबरदस्त मचा हुआ कि जिस तरीके से काफी देर तक था भूकंप क्योंकि यहाँ लगभग 30 सेकंड के आसपास लगभग भूकंप रहा, लोगों में दहशत थी काफी, लोग क्योंकि भूकंप की त्रासदी देखने के बाद लोग दहशत में है और वो लोग तुरंत घर से बाहर अपने और ऑफिस से और स्कूल बगल में स्कूल था वो स्कूल से लोग स्कूल छुट्टे वाला तो लोग स्कूल से बाहर करके बाहर चले जाए। जी जी तनवीर तेज झटके महसूस किए गए हैं, क्या किसी हताहत होने की कोई खबर अभी तक आई है फैजाबाद में? प्राची आपको बता दें अभी तक फैजाबाद में कोई हताहत होने की सूचना अभी तक तो नहीं आई है, मगर अब प्रशासन भी निकल आया रोड पे आ गया उसे देख रहा है, मगर अभी तक का कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं मिली कि कोई हताहत या कोई ऐसी दुर्घटना सामने नहीं आई। जी
जी बिल्कुल मोहम्मद तनवीर, बता दें आपको, आप बन रही हमारे साथ कि तेज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के, एक बार फिर से बता दें देहरादून रुद्रपुर इन सभी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, दफ्तरों अपने घरों से निकलकर लोग बाहर खड़े हो गए हैं क्योंकि भूकंप ने दहशत लोगों में फैला दी है, हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है लोगों में। और वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मेट्रो भी रोक दी गई है। 12:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। नेपाल में भूकंप का केंद्र है, बता दें आपको, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए, अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए और जमीन से सिर्फ 15 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र है बताया गया है। और नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र है, बता दें आपको कि नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बता दें आपको कि 1.3 मिनट तक करीब आते रहे हैं भूकंप के झटके, यानी कि तेज झटके, काफी समय तक लंबे झटके महसूस किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मैप के जरिए कि कहां कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बात अगर भारत की करें तो उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, बिहार, इन सभी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल केंद्र रहा है भूकंप के झटकों का। एक बार फिर से तो भारी तबाही अभी मचाई थी भूकंप ने नेपाल में और एक बार फिर से भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए। हालांकि अभी हताहत की कोई खबर नहीं आई है, जान माल के हानि की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए हैं जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है, दहशत का माहौल पैदा हो गया है। देख सकते हैं आप ये दो तस्वीरें कि किस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं। खुद आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी अपने थाने से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, यानी दहशत सभी में है, दहशत का माहौल सब में है। और क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जैसे ही झटके महसूस किए गए लोग अपने घरों से अपने ऑफिस से निकलकर सड़क पर आकर खड़े हो गए। सड़क पर भीड़ देखने को मिली, दहशत भी देखने को मिली, हड़कंप लोगों में मचा हुआ है भूकंप के झटकों की वजह से। और नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र है, बता दें आपको 7.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो 4.4 मापी गई है और 1:03 तक भूकंप के झटके करीब महसूस किए गए हैं। बता दें आपको एवरेस्ट बेस कैंप के करीब था भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं जिससे दिल्ली में मेट्रो भी रोक दी गई है और भूकंप की तीव्रता इस बार 7.4 मापी गई है। तो इससे पहले जो भूकंप आया था भारी तबाही मचाई थी और नेपाल उससे अभी तक उबर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से भूकंप का कहर बरपा, एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र इस बार रहा, बता दें आपको 7.4 मापी गई है रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता। देहरादून, रुद्रपुर, इन सभी जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, इन सभी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और नेपाल में केंद्र रहा है भूकंप का। देखिए ये तो 7.9 का आफ्टर शॉक ही कहा जाएगा क्योंकि उसी एरिया में है ये, नेपाल के करीब जो 160-170 किलोमीटर का जो एरिया था उसी में आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं सर। एन अर्थक्वेक ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1 ऑन रिक्टर स्केल ऑकर टुडे एट 12:35 आवर्स आईएसटी एट लैटिट्यूड 27.6 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 86.0 डिग्री ईस्ट इन नेपाल। इट वॉज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ काठमांडू अबाउट 70 किलोमीटर। दिस वॉज एक्चुअली आफ्टर शॉक ऑफ दैट मेन शॉक ऑफ 7.9 ग्रेट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। देयर में भी आफ्टर शॉक्स में भी देयर, इवन दे आर कंटिन्यूड एक्चुअली ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड्स। तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। बता दें आपको राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, इन सभी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, हड़कंप मच गई है। बता दें आपको रिक्टर पैमाने पर 7.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र इस बार रहा है। तो एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार है भूकंप, बता दें आपको जमीन से 19 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा है। पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके और जिससे लोगों में दहशत का माहौल जरूर पैदा हो गया है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो
भूकंप एक बार फिर से महसूस किया गया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, दहशत का माहौल लोगों में पैदा हो गया है और सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, अपने घर से निकलकर बाहर खड़े हो गए, सड़कों पर खड़े हो गए, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग तुरंत जैसे ही झटके महसूस किए गए सड़कों पर आ गए हैं। तो बता दें आपको कि लोग अब बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, दहशत लोगों में साफ देखी जा सकती है और हड़कंप मचा हुआ है लोगों में भूकंप की वजह से। भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं, घरों से बाहर लोग निकल आए हैं, दहशत का माहौल है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारी तबाही नेपाल में भूकंप ने मचाई है। इसके साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था और अब एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोग अब खौफजदा हैं। बता दें आपको, दिल्ली में मेट्रो भी रोक दी गई है भूकंप की वजह से। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राहुल डबास जुड़ चुके हैं, तो लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कैसे झटके महसूस किए गए हैं, कैसा माहौल है दिल्ली में फिलहाल? देखिए प्राची, अगर दिल्ली की लाइफलाइन के बारे में बात करें, दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली को एनसीआर के तमाम शहरों से जोड़ती है, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, उसे रोक दिया गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए कि मेट्रो पूरी तरीके से रुकी हुई है, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि 7 रिक्टर पैमाने से बड़ा भूकंप है और इसका एपिसेंटर उसी तरह से जैसे पहले नेपाल में बना हुआ था, तो उम्मीद यही है कि आफ्टर स्टॉक्स आ सकते हैं, कुछ और भूकंप के झटके आ सकते हैं, लिहाजा एहतियातन तौर पर दिल्ली मेट्रो को रोका गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। बने रहिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता जुड़ चुके हैं। जेपी जी, आपसे जानना चाहेंगे भूकंप की तीव्रता कैसी रही है और आगे भी क्या भूकंप के शॉक लग सकते हैं? जो आज जो भूकंप आया उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7.1 है और ये 12:35 पे आया है और ये जो डेप्थ है इसकी 18 किलोमीटर है जी। तो क्या आगे भी आप यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई संकट नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी बने हुए हैं लगातार। जेपी जी, क्या आगे भी आफ्टर शॉक महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि भूकंप तेज झटके महसूस किए गए हैं? आफ्टर शॉक अभी भी आफ्टर शॉक इससे आ सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इससे कम होगा। तो क्या नुकसान अभी भूकंप और मचा सकता है, तेज तीव्रता और महसूस की जा सकती है? नहीं, ये चूंकि ये इस मैग्नीट्यूड है तो वहाँ पे इसका नुकसान हो सकता है, पर लखनऊ में नुकसान नहीं है, लेकिन ये फील किया जाएगा इसका जी। तो आगे जो भूकंप के झटके आएंगे, क्या उससे नुकसान होगा, या फिर जो अभी ये झटके लगे थे, क्या मानते हैं आपसे, चेतावनी दी जा सकती है इस भूकंप के झटके के बाद? नहीं, आवाज नहीं आ रही, कट रही है, आप समझ नहीं पा रहे। हेलो जी गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तकनीकी खामी की वजह संपर्क हमारा टूट गया है गुप्ता जी से, लेकिन बता दें आपको कि आफ्टर शॉक अभी भी आ सकते हैं, हालांकि भारी अब तेज झटके महसूस नहीं किए जा सकते ऐसा कहना है, लेकिन फिर भी आफ्टर शॉक अभी आ सकते हैं। भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं एनडीआरएफ के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक करेंगे। बता दें आपको कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए फिर से एक बार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता, इन सभी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के झटके लगते ही जो लोग हैं उनमें दहशत साफ देखी जा सकती है, सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं, सड़कों पर निकल गए हैं, सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है, अपने काम छोड़कर अपने घरों में बैठे लोग भी अब बाहर निकल गए हैं। बता दें आपको भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। भूकंप ने भारी तबाही अभी कुछ दिन पहले मचाई थी और उसके बाद फिर से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र रहा है। राजीव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता। राजीव, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कैसा माहौल है, क्या स्थिति है लखनऊ की? यकीनन अभी कुछ देर पहले 12:30 के करीब भूकंप के लगे झटके का कारण लखनऊ में दहशत का माहौल फैल गया है। लोग जो अपने घरों में बैठे हुए थे वो बाहर निकल आए हैं और जो स्कूल है भूकंप का झटका लगने के बाद उन स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है, बच्चों को घर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो बीते दिनों नेपाल में भूकंप आया था उसका लगातार बीच बीच में झटके लगने से अब लोगों में खासा दहशत है कि आखिर ये कब तक होगा। हालांकि भूकंप के झटके को देखते हुए शासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जो नेपाल से सटे यूपी के कुछ
जिले हैं वहां पर कुछ नुकसान की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई, किसी जनहान की खबर नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं शासन द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भूकंप के झटके लगे हैं उससे जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन किया जाए, और अगर कोई प्रभावित होता है तो उसको सरकार की ओर से पूरी मदद की जाए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भूकंप का झटका लगने से सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में दहशत का माहौल है। जी जी बिल्कुल राजीव, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। राहुल आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। राहुल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कैसा दहशत का माहौल है, कि अभी भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं? देखिए सड़कों पे लोग नहीं है, कुछ वक्त के लिए जरूर आए थे, 12:35 का वक्त था, उससे 10 मिनट तक सड़कों पे लोग आए, उसके बाद अपने दफ्तरों में लोग वापस चले गए हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो की जो रुकी थी, अब बताया जा रहा है, मेट्रो के सूत्र बता रहे कि मेट्रो को फिर से शुरू किया जा रहा है, कुछ ही मिनटों में मेट्रो की सेवाएं सामान्य हो जाएगी। इसकी वजह से स्टेशनों में अच्छा खासा जाम जरूर लग गया है, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, और सबसे बड़ा लोगों के अंदर ये दहशत है कि जिस तरीके से कुछ ही हफ्तों के अंतर्गत दूसरा बड़ा भूकंप आया है, 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो उसके बाद लोगों के अंदर जरूर दहशत नजर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, जब पिछली बार भूकंप आया था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया था और तुरंत बात की थी, कार्रवाई भी की थी, क्या अभी ऐसा कुछ कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से? देखिए संसद की कार्यवाही चल रही है, ये भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेंगे एनडीएमए के साथ, एनडीआरएफ के साथ, और उसमें तमाम लोग मौजूद होंगे, तमाम वैज्ञानिक मौजूद होंगे, और ये आकलन किया जाएगा कि क्या वाकई दोबारा भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों को नेपाल में भेजा जाए, नेपाल में त्रासदी कैसी हुई है, क्योंकि एपी सेंटर इस बार भी नेपाल का बना हुआ है। साथ में ये भी कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं वहां तो कोई नुकसान की खबर नहीं है। कोशिश ये भी की जा रही है कि राज्य सरकारों के साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाया जाए और ये जानकारी ली जाए कि भारत में तो इस भूकंप का जो ताजा झटके महसूस किए जा रहे 7.1 रिक्टर पैमाने के, उसका कोई नुकसान भारत की सीमा के अंदर तो नहीं है। सबसे पहले फौरी तौर पर केंद्र सरकार की कोशिश यही जानने की है। जी जी बिल्कुल राहुल, आकाश भी हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, नोएडा की अगर बात करें तो कैसे झटके वहां पर महसूस किए गए हैं, आपने किस तरीके से झटकों को महसूस किया? प्राची, वही वक्त था, लगभग 12:15 बज रहे थे, 12:15 का वक्त 25 अप्रैल को याद कीजिए, और आज फिर से वही वक्त था, लगभग वही सब कुछ था, वही एक समय था, लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, कि अचानक तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भी नेपाल में ही केंद्र बताया जा रहा है, कि जमीन से 18 से 19 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र है, और केंद्र जितना कम नीचे होता है झटके उतने तेज होते हैं, ये बहुत तेज होते हैं झटके। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वैसे कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, 25 अप्रैल को भी जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे बहुत तेज झटके महसूस किए गए थे, तो उसके बाद सबको पता है कि क्या कुछ हुआ था नेपाल में। लेकिन इस बार जिस तरीके से झटके के बाद जो खबरें आ रही है वो ये है कि बिहार में, झारखंड में और पाकिस्तान में भी इस बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, खास करके बिहार के पटना में, दरभंगा में और मधुबनी में, सीतामढ़ी में। अभी कुछ देर पहले मुझे मेरे कई लोगों से वहां बात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत तेज झटके महसूस किए गए, झारखंड में झटके महसूस किए गए हैं, रांची में, दुमका में, बोकारो में, और लगे हाथ जयपुर में भी झटके महसूस किए गए हैं। पिछली बार जहां तक सुरक्षा की बात है, जहां तक इस पर काम करने की बात है, तो पिछली बार नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया था, उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को इसकी खबर लगी थी, वो किसी बैठक के दौरान, वो नेपाल से बाहर थे वो किसी बैठक के लिए, और उन्हें तब जाकर खबर मिली थी कि नेपाल में बहुत तेज भूकंप के झटके आए हैं। वैसे अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, अब ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वैसे भारत के प्रशासन, आकाश, अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन झटके काफी तेज थे, तीव्रता तेज, जैसा आप भी बता रहे हैं कि तीव्रता काफी तेज थी, तो क्या कोई नुकसान हो सकता है तीव्रता से, क्या नुकसान की खबरें आ सकती हैं? आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आ सकती है। पिछली बार भी जब हुआ था तो कुछ वक्त लगा था स्पष्ट तस्वीर सामने आने में, और उसके बाद जो तस्वीर आया था वो बहुत ही भयानक तस्वीर थी, वो दिन में एक अंधेरी रात की तस्वीर थी जिसे देखकर लोग सहम गए थे। नेपाल में क्या कुछ नहीं हुआ, नेपाल में लोग बेघर हो गए, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, बिहार में भी नुकसान हुआ था, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नुकसान हुआ था, कई जिलों में नुकसान की खबरें आई थी, कई लोग मर गए थे। तो निश्चित तौर पर एक स्पष्ट तस्वीर सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा प्राची, लेकिन जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह के झटके देखने को मिले हैं, निश्चित तौर पर एक
भयंकर और एक दुखद है ये, नेपाल को लेकर के, भारत को के कई इलाकों को लेकर के ये दुखद है, भूकंप के झटके जिस तरीके से बार बार आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल आकाश, बने रही हमारे साथ। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एक बार फिर से नेपाल के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लगातार महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के झटके। बता दें आपको कुछ मिनट पहले भी फिर से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है, एनडीआरएफ अलर्ट पर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल की हर मदद को हम तैयार हैं। तो बता दें आपको कि पिछली बार जब 25 अप्रैल को भूकंप आया था तो भारी तबाही नेपाल ने मचाई थी और लगातार मदद भी मुहैया कराई जा रही थी, और अभी उस डर से नेपाल उबरा भी नहीं था कि फिर से एक बार जो भूकंप के झटके वो महसूस किए गए हैं। बता दें आपको कि पहला झटका 12:38 पर महसूस किया गया है और अभी दूसरा झटका भी 1:11 पर महसूस किया गया है। तो भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, नेपाल को भी हर तरीके की मदद दी जाएगी और जो एनडीआरएफ है वो भी अलर्ट पर है। तो बता दें आपको कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी दोबारा एक और झटका महसूस किया गया है, 1:11 पर भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं। बता दें आपको पहला झटका 12:38 पर महसूस किया गया था और अब दूसरा झटका 1:11 पर महसूस किया गया है। तो बता दें आपको कि भूकंप के लगातार झटके लग रहे हैं जिससे लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है, लोग खौफजदा हो गए हैं और जैसे ही भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए वैसे ही लोग अपने घरों से निकलकर, अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए और सड़कों पर भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली क्योंकि भूकंप ने भारी तबाही अभी कुछ दिन पहले मचाई है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों ने अपनों को खोया और अब एक बार फिर से जो भूकंप है वो आया है जिसने लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ पैदा कर दिया है। और भूकंप पर राजनाथ सिंह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आ रहा हूं तुरंत इसी संबंध में मैं बात करने के लिए तुरंत, और जो भी इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार। लोग पैनिक हैं दिल्ली में, खासतौर पर घरों से उतर आए, घर पे नहीं जा रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं। यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई संकट नहीं है। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि नेपाल को हर मदद मुहैया कराई जाएगी और घबराने की जरूरत नहीं है, एनडीआरएफ अलर्ट पर है। तो लगातार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। बता दें आपको पहला झटका 12:38 पर महसूस किया गया था, तो वहीं दूसरा झटका जो है वो 1:11 पर महसूस किया गया और नेपाल में ही एक बार फिर से भूकंप का केंद्र है। बता दें आपको कि नेपाल ने भारी तबाही मचाई थी 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था और उस दर्द से अभी नेपाल उबर भी नहीं पाया था, उससे उबरने की नेपाल अभी कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से भूकंप आया है। नेपाल के कोडारी में इस बार भूकंप का बता दें आपको केंद्र आया और जमीन से महज 19 किलोमीटर नीचे नेपाल जो भूकंप है उसका केंद्र रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंदौली की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भूकंप के झटके किस तरीके से महसूस किए गए हैं, जो चीजें हैं वो अपनी जो जमीन है उस पर खुद ही हिलने लगे हैं। बता दें आपको कि आप खुद देख सकते हैं कि जो भूकंप के झटके हैं वो कितनी तेज महसूस किए होंगे, जो झटके हैं आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये हिलती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के जो झटके हैं वो किस तरीके से महसूस किए गए होंगे। बता दें आपको एक लोग आप देख सकते हैं जो भूकंप की झटके की वजह से हिल रही है, इसे कोई नहीं ला रहा है, ये भूकंप के झटके की वजह से अपनी ही जगह पर है और हिलती हुई नजर आ रही है। तो भूकंप से अफरा तफरी का माहौल शुरू पैदा हो गया है क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के बाद लोग अपने घरों अपने दफ्तरों से खड़े हो गए हैं। तस्वीर आप हमीरपुर से भी देख सकते हैं जहां पर हिलती हुई चीजें आपको जरूर नजर आएंगी, नजर आएंगे कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल किस तरीके का है। तो ये दोनों तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, पहली तस्वीर चंदौली की आप देख रहे हैं जहां पर लोग हैं वो अपनी जगह पर किस तरीके से हिल रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खुद पुलिस वाले भी किस तरीके से अपने थाने से निकलकर, अपने स्टेशन से निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए हैं क्योंकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और अभी भूकंप ने जो भारी तबाही मचाई थी वो देख ही रहे थे, वो मंजर देख रहे थे लोग, एक बार फिर से ये जो दहशत है फिर से कायम हो गई है लोगों पर और लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर खड़े हो गए हैं क्योंकि भूकंप ने अभी 25 अप्रैल को भारी तबाही मचाई थी। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में लाखों लोग बेघर हुए हैं, लाखों लोगों ने अपनों को खोया है और एक बार फिर से भूकंप जो है वो आया है जिससे लोगों में दहशत एक बार फिर से कायम हो गई है, लोग एक बार फिर से खौफजदा हो गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र एक बार फिर से बताया गया है, बता दें आपको नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अगर बात करें भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे तो क्या कोई अभी जानमाल की हानि की खबर आई है?
प्राची, जो राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वो अभी कुछ देर पहले हुए हैं, ऐसे में कुछ खबरें तो आ रही हैं कई जिलों से दीवालों गिरने की, लेकिन अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है। इसका आकलन देर शाम तक ही किया जा सकेगा, जब जो कि भूकंप के झटके आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो ये झटके आ जाए हैं इससे हुए नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए और देर शाम तक एक रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिसके मद्देनजर अगर कोई इस भूकंप के झटके से प्रभावित है तो उसकी तत्काल शासन द्वारा मदद की जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्पष्ट रिपोर्ट है ये देर शाम को ही क्लियर हो पाएगी कि यूपी के राजीव आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उनसे हम जानना चाहेंगे उनमें किस तरीके का माहौल है, कैसी दहशत उनमें पैदा हुई है। राजीव आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही राजीव से, लेकिन नोएडा से आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, तीव्रता की बात हमने कर ली, नुकसान की बात हमने कर ली कि भारी नुकसान इससे हो सकता है। बात करें अगर दहशत की तो लोगों में दहशत का माहौल भी जरूर पैदा हो गया क्योंकि अभी भारी तबाही का मंजर देखा है और एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके। निश्चित ये सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर एक खौफ है, लोग डर गए हैं। पिछले 25 तारीख को जो हुआ उसके बाद बार बार भूकंप के झटके आए, झटके से जो बार बार झटके आ रहे थे उसके बाद लोगों के मन में एक डर सा बस गया, लोगों के मन में एक खौफ का मंजर सा आ गया था। और उसके बाद जो अभी फिर से ये लगातार दो बार आप जो बता रही हैं कि 32 मिनट के अंतराल पर दो झटके महसूस किए गए, पहला झटका 12:38 मिनट पर और दूसरा झटका 1:11 मिनट पर, तो निश्चित तौर पर 32 मिनट के अंदर भूकंप के अगर लगातार दो झटके आते हैं वो भी तब जब इससे पहले लोग इसमें बहुत भारी नुकसान देख चुके हैं, तो लोगों के अंदर एक खौफ होगा ही। और प्राची जो सबसे बड़ी बात है, आपने कोडारी का जिक्र किया, कोडारी में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, तो कोडारी नेपाल में कोडारी जो है वो आधा पहाड़ में और आधा समतल के आसपास में पड़ता है, उसका एक भाग कोडारी का पहाड़ में है और एक भाग समतल में है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में अगर मैं पिछली बार भी कहा था अभी भी बता रहा हूं कि पहाड़ में अगर इसका केंद्र होगा, अगर अब यह देखना है कि कोडारी में किधर से, उत्तर के तरफ से या दक्षिण के तरफ से इसका केंद्र बताया जा रहा है। कोडारी में आकाश बंदरी हमारे साथ।